ऐसे पवित्र जन जब अपने घर पधारते हैं तो उनकी चरण रज अपने जीवन को धन्य बनाती है। तो आज ने आप सबने मुझ पर उपकार किया है और इसलिए मैं पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं। महात्मा गांधी कहा करते थे कि आप जो भी निर्णय करें वो निर्णय सही है कि गलत है वो समाज के आखिरी व्यक्ति को ध्यान में रख करके सोचिए कि आपने जो किया वो उसका लाभ करेगा कि नहीं करेगा। हमारी सरकार ने इसको अपना मंत्र माना है। ये सिक्कों की रचना, नोट की रचना में भी उस मंत्र ने काम किया है कि अगर मेरा दिव्यांग जन जो आखिरी छोर पे बैठा है वो अगर सिक्के में सही जांच नहीं कर पाता है और उसके मन को हमेशा रहता है, 5-50 रुपया चला जाना शायद बहुत दुख नहीं करता है, लेकिन सिक्का हाथ में आने के बाद जब वो तय नहीं कर पाता है कि सिक्का क्या है, उसको 2-5 मिनट मेहनत करनी पड़ती है तो उसमें एक इन्फीरियरिटी फील होती है। ये ऐतिहासिक क्षण है, विश्व में ये पहली पहल हुई है जब डिफरेंट डिनोमिनेशंस के सिक्के डिफरेंट साइजेस डिफरेंट शेप्स में आए हैं और इससे विजुअली इम्पेयर्ड को केवल फ़ायदा नहीं होगा और दूसरों की मदद नहीं लेनी पड़ेगी विजुअली इम्पेयर्ड को, बल्कि अशिक्षित ग्रामीण साथियों को भी फ़ायदा होगा। प्रधानमंत्री जी ने जो सुगम्य भारत की शुरुआत की थी उसी का ये एक ऐतिहासिक हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे लिए एक कार्य तो बहुत ही अच्छा किया है, लोग हम लोग से 10 के बदले 20 ले आते थे और 2 के बदले 10 ले आते थे, तो इससे हम धोखा नहीं खा सकते। हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि आज के दिन जो ये प्रधानमंत्री जी ने जो सिक्का रिलीज़ किया है वो हम लोग के लिए, खास करके जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस सिक्के से जारी होने से हम अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे और हम खुद ही अपने काम कर पाएंगे। अच्छा कदम है और ये पर्टिकुलरली ब्लाइंड जो सिटीजन हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। दिव्यांग जनों के जीवन को समझना, उनकी दिक्कतों को समझना, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना, ऐसे अनेक निर्णय करते करते हम काम कर रहे हैं। सरकार में एक सेंसिटिविटी आई है, एक संवेदना आई है कि भाई हर चीज करते समय इन सब को ध्यान में रखो और उसके कारण अनेक विषयों में इस दिशा में काम हो रहे हैं।